तो यार कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड आई बिलीव आप इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। तो हमें मिलने वाला है एक फ्री ट्रांसेंड पोटेंशियल कैरेक्टर सिलेक्टर फ्रॉम टुडेज चेक इन इवेंट, और ये है हमारा 8 ईयर होमकमिंग नेवर एंडिंग सेलिब्रेशन के रिगार्ड में। तो जैसे कि टियर 3 सिलेक्टर से मैंने आपको गाइड किया था कि आपको किस कैरेक्टर को पिक करना चाहिए, यहाँ पर हमें मिलने वाला है एक ट्रांसेंड पोटेंशियल कैरेक्टर सिलेक्टर। तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप सही कैरेक्टर को चूज करो बेस्ड ऑन कि आपके क्या रिक्वायरमेंट है, आपके अकाउंट में क्या है और आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको डीपीएस चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको स्टोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, या फिर वर्ल्ड बॉस लेजेंड का कोई हायर स्टेज पर कोई रिक्वायरमेंट में आप फंसे हुए हो, तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने इन 4 टीयर में डिवाइड किया है इस लिस्ट को। और हम देखेंगे हर एक लिस्ट में कौन से बेस्ट कैरेक्टर है, एंड आप अपने समझ के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें से उन कैरेक्टर्स को चूज कर सकते हो, एंड फिर आज के ट्रांसेंड पोटेंशियल कैरेक्टर सिलेक्टर में से उन्हें पिक कर सकते हो। सो डेफिनेटली कोई मिस्टेक मत करना, काफ़ी सोच समझ के सिलेक्ट करना। साल में एक बार हमें मिलता है ये फ्री में, और इसमें 6 नए एडिशन हुए हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जो कि लास्ट ईयर हमें ये मिला था। वो 6 कैरेक्टर होने वाले हैं गमोरा, ड्रैक्स, हल्क बस्टर, थिंग, स्वॉर्ड मास्टर, अमेरिका चावेस। तो एक चीज़ अच्छी बात है कि इनमें से 3 नए यूनिफॉर्म वाले कैरेक्टर या फिर 2 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको नया यूनिफॉर्म मिल सकता है। सो उन चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप सिलेक्ट करना। 7 दिन तक आपकी इन्वेंट्री में रहने वाला है, तो मिड मंथ अपडेट से पहले ये एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको जल्दी पिक करना जरूरी रहेगा। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए चले चलते हैं पहले लिस्ट में, जो कि है अप टू टीयर 4। तो ट्रांसिट पोटेंशियल सिलेक्टर में से 3 कैरेक्टर्स हैं जिनको टीयर 4 मिल चुका है। इनमें से 2 कॉम्बैट टाइप है और एक स्पीड टाइप है, और अगर हम उनकी एलाइज या फिर साइड की बात करें तो डॉक्टर ऑक्टोपस होने वाला है, जो कि कॉम्बैट सुपर विलन होने वाला है। मून नाइट ऐसा है जो कि एक कॉम्बैट सुपर हीरो है, एंड वही शैडो शेल एक स्पीड सुपर हीरो फीमेल है, जो कि बहुत ही यूनिक है, यानी कि अभी तक गेम में सिर्फ 1 टीयर 4 है स्पीड कैटेगरी के लिए, उसके अलावा किसी भी कैरेक्टर को टीयर 4 नहीं मिला है। तो इस रिगार्ड में शी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फीमेल में। तो लूना स्नो को मिलने वाला है टीयर 4, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए शैडो शेल का रैंकिंग थोड़ा नीचे जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली लूना स्नो को सभी पिक करने वाले हैं। बट यहाँ पर एक बात यह आती है कि लूना स्नो इज़ अ प्रीमियम कैरेक्टर, साथ ही साथ लूना स्नो को रेज चाहिए टू शाइन, वहीं शैडो शेल एक सुपर प्रॉक फ्रेंडली कैरेक्टर है जो कि एक CTP ऑफ एनर्जी के साथ भी आपको काफ़ी तगड़ा डैमेज देगी। एंड डेफिनेटली शैडो शेल डजंट नीड हर टीयर 4 टू शाइन, लेवल 80 गियर्स 25 पर भी शैडो शेल का काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस है प्रॉक फ्रेंडली होने के वजह से। साथ ही साथ हम बात करें मून नाइट की, तो कॉम्बैट सुपर हीरो है, इसका रिप्लेसमेंट काफ़ी सारा कैरेक्टर्स कर सकते हैं, उनमें से यही डॉक्टर ऑक्टोपस है एग्जांपल। तो या एक दिन होता है जिसमें मून नाइट आपको ABX में काम आएगा, उसके अलावा बाकी दिनों में डॉक्टर ऑक्टोपस या नेमोर अगर आपके पास है तो उससे आपका काम चल जाएगा। मून नाइट इज़ अ गुड कैरेक्टर टू हैव, तो अगर आपने अभी तक मून नाइट को नहीं किया टीयर 4 तो डेफिनेटली ट्रांसेंड पोटेंशियल नहीं किया, तो डेफिनेटली इस सिलेक्टर में से आप मून नाइट को पिक कर सकते हो। उसके अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस इज ऑल्सो अ रियली ग्रेट पिक, लाइक मैं तो बोलूंगा डॉक्टर ऑक्टोपस इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि आप यहाँ से पिक कर सकते हो, अगर आपके पास नेमोर टीयर 4 पर नहीं है तो। अगर नेमोर आपका टीयर 4 पर नहीं है तो डेफिनेटली डॉक्टर ऑक्टोपस को पिक करना विल बी द बेटर ऑप्शन, तो डॉक्टर ऑक्टोपस को आप डेफिनेटली पिक कर लेना। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बात करने वाला हूँ कि ट्रांसेंड पोटेंशियल से जब आप कोई कैरेक्टर को पिक करते हो तो आपको 2 चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है बिफोर आप ट्रांसेंड पोटेंशियल कैरेक्टर को पिक करो। तो वो चीज़ें होने वाली है, सबसे पहला कि आपका वो कैरेक्टर लेवल 70 पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लेवल 70 पे है तो लेवल 70 करने के लिए जो आपने रिसोर्सेज स्पेंड किए हैं तो वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, तो बेसिकली वो आपके वेस्ट हो गए, क्योंकि लेवल 60 गियर्स 20 कैरेक्टर को डायरेक्टली ट्रांसेंड पोटेंशियल पे ले जाया जा सकता है यूजिंग दिस सिलेक्टर। तो इस वजह से एक और दूसरा चीज़ है कि गियर्स आपने अपग्रेड नहीं किए हैं। अगर आपने गियर्स अपग्रेड किया कैरेक्टर का तब तो यार कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि सिर्फ 200 अवेकनिंग क्रिस्टल और 200 मैंडले जम फ्रैगमेंट से वो कैरेक्टर ट्रांसेंड पोटेंशियल हो जाएंगे। तो गियर्स अगर आपने अपग्रेड कर दिया कैरेक्टर का तो बिग मिस्टेक है, आप प्लीज़ मत पिक करना सिलेक्टर से उन कैरेक्टर्स को जिनको आपने लेवल 70 वगैरह कर दिया है, या फिर आपने अगर उन्हें ट्रांसेंड पोटेंशियल किया जो कि लेवल 70 करने पर होता है। तो इन 2 चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना और तभी इस सिलेक्टर को इस्तेमाल करना, नहीं तो आपके काफ़ी सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे उस सिलेक्टर कैरेक्टर को पिक करने का जो कि पहले से अपग्रेडेड है। तो ये 3 थे अप टू टीयर 4। तो नेक्स्ट ईयर पे चलते जो कि है लीड एंड सपोर्ट। लीड एंड सपोर्ट पे बेसिकली 7 कैरेक्टर्स है, इनमें से कुछ कैरेक्टर्स कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टर्स को ही सपोर्ट या लीड प्रोवाइड करते हैं, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मेडूसा की बात करें तो वो सिर्फ यूनिवर्सल टाइप कैरेक्टर को एक बेसिक लीड प्रोवाइड करती है, उसके अलावा काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इससे बेटर लीड प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर इससे चीप लीड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस रीज़न से मेडूसा भी काफ़ी आउट ऑफ द मेटा जा चुकी है। बेसिकली इन ह्यूमन किंग विच इज़ ब्लैक बोल्ट, जो कि इसका काफ़ी क्लोज पार्टनर है,
उसे इतना तगड़ा यूनिफॉर्म और टीयर 4 मिला है, वहीं मेड्यूसा को अभी तक शाफ्ट मिला, सो शी डेफिनेटली नीड्स एन अपग्रेड, बट सिंस शी इज अ गुड लीड इसलिए मैंने उसे यहाँ पर रखा है, तो अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यूज। उसके अलावा अमेरिका चावेज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस राइट हियर, लेकिन अगर आपको अमेरिका चावेज यूज करनी है तो उसकी यूनिफॉर्म चाहिए, अदर वर्ल्ड बैटल में भी काफी तगड़ा आपको प्रोवाइड करेगी। अमेरिका चावेज बेसिकली एक 30% ऑल अटैक लीड है, साथ में 40% एचपी देती है एलाइज को और रिफ्लेक्ट देती है फिजिकल टाइप डैमेज से, और साथ ही साथ ऑल अटैक रिफ्लेक्ट भी देती है, तो काफ़ी तगड़ा इफेक्ट्स है अमेरिका चावेज के पास, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, एज अ सपोर्ट काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करेगी। उसके अलावा सिफ की हम बात करें तो कॉम्बैट टाइप कैरेक्टर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट कैरेक्टर जो कि आप पिक कर सकते हो, कई बार मैंने ये चीज़ सजेशन की है, यूनिफॉर्म गाइड में भी है तो आप वहाँ देख सकते हो। हल्क बस्टर की बात करें तो ये आयरन मैन या मशीन टाइप कैरेक्टर्स को अच्छा लीड एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो हल्क बस्टर को आप इसके लिए पिक कर सकते हो, बट उसके अलावा इसका ज़्यादा यूजेबिलिटी है नहीं। उसके अलावा एल्सा ब्लडस्टोन 30% फिजिकल अटैक प्रोवाइड करेगी, नॉट मच बट इट्स डिसेंट इसलिए वो यहाँ पर है। गमोरा की बात करें तो ह्यूज लाइकेबिलिटी टू गेट एन अपग्रेड इन द मिड मंथ पैच, बट वी आर नॉट श्योर इसलिए गमोरा को मैंने नीड्स अपग्रेड में या फिर अपकमिंग अपडेट में नहीं ऐड किया है, बट विद हर रेकिम यूनिफॉर्म वो काफ़ी तगड़ा लीड प्रोवाइड करती है टू स्पीड टाइप कैरेक्टर्स। और फिर वहीं जेसिका जोन्स की बात करें तो डिफेंडर अलाइज स्पेसिफिक बहुत बहुत तगड़ा बफ्स प्रोवाइड करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है डिफेंडर्स कैरेक्टर उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं जितने होने चाहिए थे। जब आया था आयरन फिस्ट थोड़ा सा मेटा में था, बट उसके अलावा बाकी सारे करेक्टर्स तो बेसिकली शैफ्ट ही हुए हैं, सो इस वजह से लीड एंड सपोर्ट में ये सात कैरेक्टर, तो सोच समझ के अपने पिक कर लेना। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बॉस लेजेंड रिक्वायरमेंट, यहाँ पर ये कैरेक्टर्स है जो कि वर्ल्ड बॉस के कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस पर आते हैं, तो इस वजह से मैंने इस लिस्ट को यहाँ पे बनाया है, तो ये ताकि आपको एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सके ये कैरेक्टर्स, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो अगर आपको आप मून नाइट को लेते हो तो स्टेज 9 नल पे आपको 5 बार खेलना है मून नाइट को यूज करके ताकि स्टेज 10 अनलॉक हो सके, वहीं पे स्टेज 9 में फिस्टो का 5 बार आयरन फिस्ट से खेलना है ताकि स्टेज 10 अनलॉक हो सके, वहीं पे स्टेज 69 में फिस्टो पे आपको सिर्फ से खेलना है ताकि स्टेज 70 अनलॉक हो सके, फिर स्टेज 89 में फिस्टो आपको खेलना है रेड स्कल से ताकि स्टेज 90 में फिस्टो अनलॉक हो सके, अल्ट्रॉन स्टेज 19 खेलना है आपको एल्सा ब्लडस्टोन से ताकि 20 अनलॉक हो सके, वहीं स्टेज 9 गौर खेलना है 5 बार वॉर टाइगर से ताकि स्टेज 10 गौर अनलॉक हो सके, फिर स्टेज 39 गौर खेलना है 5 बार अमेरिका चावेस से ताकि स्टेज 40 अनलॉक हो सके, और वहीं स्टेज 69 जीन खेलना है द थिंग से ताकि स्टेज 70 अनलॉक हो सके। द थिंग को भी एक अपग्रेड मिलने के काफ़ी चांसेस है क्योंकि फैंटास्टिक फोर का एक मूवी आने वाला है 2024 में, लेकिन वो काफ़ी आगे है तो आप अगले साल वाले सिलेक्टर में से पिक कर सकते हो, तो इस वजह से साथ ही साथ यही 8 कैरेक्टर रहने वाले हैं जो कि एक थोड़ा सा वैल्यू एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करेंगे वर्ल्ड बॉस लेजेंड रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसीलिए मैंने इस लिस्ट को यहाँ पर ऐड किया है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट लिस्ट में। ओके, तो हमारा लास्ट लिस्ट है नीड्स अपग्रेड, सो बेसिकली ये कैरेक्टर्स है जो कि अभी गेम में बेसिकली ट्रैश है या फिर बहुत ही लो यूजेबिलिटी है इनका गेम का, या फिर स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है टू डू एनी कंटेंट इन द गेम, यानी कि इनको डेफिनेटली अपग्रेड चाहिए, तो होने वाली है गमोरा, रेड स्कल, ड्रैक्स, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, बुलजाई, एल्सा ब्लडस्टोन, जेसिका जोन्स, स्पाइडर ग्वेन, सिल्क, हल्क अमेडियस चो, मेडूसा, हाइमडाल, ह्यूमन टॉर्च, द थिंग, स्वॉर्ड मास्टर एंड रेड गार्डियन। तो बेसिकली ये सभी कैरेक्टर्स को अपग्रेड चाहिए, इन सभी के पास अपना अपना मोमेंट्स था गेम में, लेकिन अभी ये सभी के सभी आउटडेटेड कैरेक्टर्स हैं या फिर इनको अपग्रेड की ज़रूरत है, यानी कि इनको टीयर 4 चाहिए या तो एक बहुत ही ज़बरदस्त यूनिफॉर्म चाहिए जिससे काफ़ी तगड़े यूटिलिटी कैरेक्टर्स बन सके। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई कैरेक्टर 2 से 3 टैग्स में अगर नहीं यूज हो सकते, फॉर एग्जांपल अलग अलग जगहों पर इनका इस्तेमाल नहीं है या फिर इनके पास कोई यूनिक टैग नहीं है जैसे कि जो डिस्पैच मिशन में रिक्वायर्ड हो या फिर कोई वर्ल्ड बॉस लेजेंड रिक्वायरमेंट हो, वर्ल्ड बॉस लेजेंड के हर एक स्टेजेस पे अलग अलग टैग होता है कि सिर्फ स्पीड टाइप जा सकता है, सिर्फ यूनिवर्सल जा सकता है, सिर्फ फीमेल कॉम्बैट जा सकती है, तो उन सब टैग्स में अगर कोई इस्तेमाल मैं कर सकूं तो उनको मैं हाई यूटिलिटी कैरेक्टर बोलता हूं और उनको ज़्यादा वैल्यू मिलता है, बट ये सभी कैरेक्टर्स उनमें नहीं आते हैं, लाइक इनकी यूजेबिलिटी काफ़ी कम है। ABX ABL में भी कहीं भी एज ए सपोर्ट या लीड हम इनको नहीं ले जा सकते हैं, काफ़ी कम जगहों पर इस्तेमाल है, इसी वजह से इन सभी को अभी अपग्रेड की ज़रूरत है एंड आई होप इनको जल्दी जल्दी अपडेट मिल जाए, क्योंकि बेसिकली गेम में अभी सिर्फ 84 कैरेक्टर्स हैं जिनके पास टीयर 3 या ट्रांसेंड पोटेंशियल नहीं है, और जिनके पास है वो भी काफ़ी ख़राब है, तो अपग्रेड्स आ रहे हैं, तो आई होप जल्दी जल्दी रोल आउट हो और सभी कैरेक्टर्स एटलीस्ट यूजेबल हो जाए ऑन हाई स्टेजेस, ऑन हाई लेवल गेम कॉन्टेंट, और साथ ही साथ अभी अदर वर्ल्ड बैटल है तो उसका भी मेटा चल रहा है। सो या विद दैट ये हमारा ट्रांसेंड पोटेंशियल सिलेक्टर गाइड, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको कौन से कैरेक्टर को पिक करना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई ऑप्शंस आपके दिमाग में जिनमें आप कंफ्यूज्ड हो, मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा।
इसके अलावा यार अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार देखो मैं आपके लिए इतने जबरदस्त गाइड बनाता हूँ लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। सो यार विद दैट कर देना और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, बाय।